तो फाइनली दोस्तों तेरी मेरी बातों में ऐसा उलझा दिया हो भाई साहब, जितना बड़ा दोस्तों नाम है ना उतनी बड़ी स्टोरी नहीं है भाई। कुल मिला के फिल्म के अंदर सब कुछ है लेकिन स्टोरी गायब है। कुल मिला के भैया तेरी मेरी बातों में उलझा दिया, और भाई साहब जितना बढ़िया सॉन्ग, जितनी बढ़िया कॉमेडी रोम कॉम स्टोरी, क्या बोलते हैं इंसान और रोबोट के बीच की चुम्माचाटी और प्यार दोस्तों फिल्म के अंदर सब कुछ था, स्टोरी गायब था दोस्तों। फिल्म का करूंगा रिव्यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट करना, एंड अपने भाई रवि चौधरी को प्यार नहीं दिया तो प्यार कर लो ना यार। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल में तेरी मेरी बातों के अंदर। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो फिल्म है तेरी मेरी बातों में उलझा जिया जी दोस्तों, ये फिल्म आज 9 फरवरी 2024 यानी कि फ्राइडे वाले दिन रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का रिव्यू करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि फिल्म का बजट 75 करोड़ का था और फिल्म के डायरेक्टर है दोस्तों अमित जोशी, प्रोड्यूसर है ज्योति देशपांडे, एंड आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया मैडॉक फिल्म्स ने। साथ ही साथ ये जो फिल्म है अपने एडवांस कलेक्शंस काफी अच्छे किए थे, एंड लेकिन फर्स्ट डे का जो ओपनिंग आएगा वो 2 डिजिट में नहीं आएगा। अफसोस दोस्तों जो आंकड़े बता रहे हैं। देखो यार ओवरऑल फिल्म जो है दोस्तों काफी फनी है, कॉमेडी है, एंटरटेनिंग है, एक्शन फिल्म नहीं है, बेसिकली फैमिली ड्रामा फिल्म है। और ये पहली बार ऐसी फिल्म नहीं बनी है दोस्तों, इससे पहले एंथ्रीन मूवी बनी है, उसके बाद उससे पहले लव स्टोरी 2050 यानी कि 2050 भी बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी और एक नए स्टार थे, ठीक है, जिसके अंदर वो सॉन्ग भी था व्हाट योर राशि, आपको याद होगा बचपन में आपने देखी होगी। तो रोबोट और इंसान के बीच दोस्तों बहुत सी फिल्में बनती है, एंड इट्स नॉट ए फ्रेश वन, इट्स नॉट ए फ्रेश कंटेंट दोस्तों। पहली बार ये कोई मूवी नहीं बन रही, इससे पहले तमाम मूवी बनी है। हम हॉलीवुड में कितनी फिल्में आए दिन रोज देखते हैं कि क्या बोलते हैं रोबोट के अंदर एक भावना जाग जाती है और उसको इंसानों से प्यार हो जाता है। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल लव स्टोरी बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन क्या पता भविष्य में आने वाले 50-60 ईयर्स लेटर दोस्तों क्या ये फीलिंग जाग जाएगी रोबोट के अंदर। तो ये स्टोरी जो है बेसिकली शाहिद कपूर एज ए आर्यन एंड कृति सैनन दोस्तों एज ए सिफ्रा, जी हाँ, जो कि एक एंड्रॉयड ह्यूमनॉयड रोबोट होती है, एंड उसके अंदर आर्यन यानी कि हमारा शाहिद कपूर जो कि एक साइंटिस्ट और वैज्ञानिक होता है दोस्तों, वो उसके अंदर AI फीलिंग्स भर देता है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, उसको उससे प्यार हो जाता है और उसके बाद अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। फैमिली के जज्बात होते हैं, कुछ दबाव होता है प्रेशर का, शादी का, जो कि यानी हमारे शाहिद कपूर को करना पड़ता है। एंड दोस्तों क्या ये शादी सक्सेसफुल हो पाती है, क्या आर्यन सिफ्रा से शादी कर लेता है, और क्या ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्या कृति सैनन के अंदर वो जज्बात जाग जाते हैं शाहिद कपूर के लिए, क्या ये इम्पॉसिबल है एज ए रोबोट दोस्तों कि उसके अंदर भी भावना जाग सके। तो बेसिकली पूरी कहानी दोस्तों एक ह्यूमनॉयड रोबोट एंड दोस्तों एक इंसान और इंसानों की भावनाओं, इंसानों की क्या बोलते हैं हताशा निराशा, सारी जज्बातों को लेकर इर्द गिर्द घूमती है। बेसिकली आपको बता दूं दोस्तों इस फिल्म का सॉन्ग कमाल का है, खास तौर पर इतने रील्स बने ना तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया दोस्तों, सॉन्ग काफी ट्रेंड है। इसके अलावा तुमसे वो तमाम सॉन्ग चार्ट बस्टर, म्यूजिक इज द चार्ट बस्टर है दोस्तों, ठीक है। इस फिल्म का सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो स्क्रीन प्ले है, डायरेक्शन जो अमित जोशी का है, डायरेक्टर है, काफी अच्छा लिखा है, बट मुझे लगता है कि इस फिल्म के अंदर स्टोरी मिसिंग है दोस्तों। स्टोरी नया नहीं है यार, स्टोरी पे और वर्क होना चाहिए। हालांकि इसमें एक अच्छा मैसेज दिया है, इसके अंदर दोस्तों आपको स्टार कास्ट देखने को मिले, धर्मेंद्र पाजी है, डिंपल कपाड़िया है, शाहिद कपूर जो कि बेहद ही हैंडसम, एंड दोस्तों कृति सैनन जो कि बहुत ही बोल्ड एंड ऑफ कोर्स यार ब्यूटीफुल तो है ही। हाइट देखिए कितनी लंबी है शाहिद कपूर ये, और हाइट ये, मतलब शाहिद कपूर की गलती नहीं है भाई, कृति सैनन है ही बहुत लंबी। तो कुल मिलाकर दोस्तों बेहद ही खूबसूरत, एंड ऑफ कोर्स वैलेंटाइन डे का टाइम आ रहा है, वैलेंटाइन डे के टाइम पर दोस्तों ये फिल्म अच्छा कलेक्शंस करेगी। 75 करोड़ का है लेकिन 150 करोड़ का एस्टिमेट लगाया जा रहा है, इसका लाइफ टाइम कलेक्शंस 150 करोड़ होगा। इसके साथ ही साथ स्टोरी मैंने बताया, स्टोरी तो नहीं है। अब फिल्म की जो शुरुआत है दोस्तों लगभग आपको बता दूं कि बहुत लंबी है, बहुत लेंथी है, बहुत थका हुआ प्लॉट है दोस्तों। फिल्म 2 घंटा 23 मिनट लगभग 15 सेकंड के आसपास है, ऑलमोस्ट 1-1 घंटा 15 मिनट सवा घंटे के आसपास का अंतराल है। फर्स्ट हाफ जो है स्टार्टिंग ओपनिंग बहुत थकी हुई होती है, मतलब कोई एक्शन फिल्म तो है ही नहीं है। और ये फिल्म मैं यूँ कह लीजिए कि ये फिल्म OTT के लिए बनी थी, बट इसको थिएटर रिलीज करना शायद हो सकता है कि ये फिल्म चल जाए, क्योंकि लोगों के रिएक्शन यार ऑटोमेटिकली अच्छे आ रहे हैं, लोग इस फिल्म को अच्छा प्यार दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि फ्रेश कॉन्टेंट है। हालांकि स्टोरी मिसिंग है और ये जो लव स्टोरी है इम्पॉसिबल है, जो कि कभी रियल हो नहीं सकती है, कभी रोबोट को ये भावना नहीं जाग सकती है।
इसके साथ ही साथ फर्स्ट हाफ के अंदर हमें दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिली, शाहिद कपूर और कृति सैनन की, जो कि पहले ट्रेलर और टीजर जो आया था सॉन्ग, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी बहुत फाड़ू होगा, लेकिन फिल्म में वो डिलीवर नहीं कर पाए अमित जोशी जो करना चाहिए था। हालांकि पहले हाफ के अंदर दोनों का जो एक्टिंग है लाजवाब है, केमिस्ट्री, बॉन्डिंग पेयर एंड क्या बोलते डायलॉग डिलीवरी, सुपर रोम कॉम जो कॉमेडी है, माहौल है काफ़ी अच्छा है, फैमिली है, ड्रामा है, कुल मिला के अगर आप अपना दिमाग घर पे छोड़ के जा रहे हो इस फिल्म को देखने, सो जाओ और फिल्म आपको अच्छी लगेगी। बट अगर आप लॉजिक ढूंढोगे थिएटर के अंदर, तो भैया फिल्म जो है दोस्तों वो फ्लॉप हो जाएगी आपके दिमाग में, क्योंकि आप दिमाग में लॉजिक ढूंढोगे कि रोबोट ऐसे कैसे कर सकती है, रोबोट ऐसे, तो प्लीज़ ये दिमाग अपना घर पर छोड़ के जाओ अगर आप फिल्म को इन्जॉय करना चाहते हो। हालांकि 2024 में बहुत सारी फिल्में आई है, ये जॉनर थोड़ा सा हटके है, इसको हम फ्रेश कंटेंट कह सकते हैं कि आज का दौर दोस्तों रोबोटिक है, AI इंटेलिजेंस का दौर है, और इस बीच फिल्म की स्टोरी लाकर और वैलेंटाइन डे का लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो कहीं ना कहीं आज का यंग जनरेशन इस फिल्म को माउथ टू माउथ प्यार दे सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये फिल्म दोस्तों कमा लेगी, उसके बाद OTT से ये फिल्म भी कमा लेगी। साथ ही साथ इसमें कई मोमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कृति सैनन जो है कॉमेडी करती हुई काफ़ी अच्छी लग रही है और उनकी कॉमेडी जो है पचाई जा सकती है। सेकेंड जो हाफ होता है दोस्तों, उसमें बता दूँ कि सेकेंड हाफ के अंदर मतलब ऑलमोस्ट दोनों के अंदर भावना जाग जाती है, कहीं ना कहीं कृति सैनन के अंदर ही भावना जाग जाती है। शाहिद कपूर बेसिकली, हालांकि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट यहाँ पे कैमियो भी है, अब वो कैमियो किसका है उसके लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा, एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। दोनों का क्या लगता है दोस्तों, दोनों शादी कर लेते हैं? ऑफकोर्स इसके लिए जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि या फिर फिल्म नहीं देख पाओगे। दोनों की भावनाएं जाग जाती है, ऑफकोर्स शाहिद कपूर की भावना पहली जागी होती है, कृति सैनन जो है एज ए रॉबर्ट दोस्तों उनकी हरकतें तो बड़ी लाजवाब होती है, एंड उनके अंदर कहीं ना कहीं भावना जाग जाती है ह्यूमन के प्रति, अपने प्यार के प्रति, और क्या शादी कर लेते हैं दोनों, क्या एक वैज्ञानिक और रॉबर्ट मिलकर सिफरा आर्यन शादी कर लेते हैं क्या दोस्तों, आने वाले इसके सीक्वल एक दूसरे पार्टनर के बच्चे भी हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? आपको क्या लगता है, रोबोट और इंसान का मिलाप हो सकता है या सिर्फ ये फिल्मों तक ही सीमित है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। एंड वेल दोस्तों देखो, ओवरऑल मैं बता दूं ये फिल्म एंटरटेनिंग है, स्टोरी नहीं है, स्टोरी को अगर साइड में करते हैं तो फिल्म के अंदर आपको फैमिली के साथ ही फिल्म एंजॉय कर सकते हो। ड्रामा है, एक्शन बहुत ही कम है, एक्शन है ही नहीं समझ लो। इसके अलावा कुल मिला के काफ़ी फनी है दोस्तों, मतलब फिल्म फैमिली फिल्म है। 5 में से मैं इस फिल्म को ऑलमोस्ट दोस्तों 3.5 की रेटिंग दूंगा, एंड ऑफकोर्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर जनरेट करेगी ये फिल्म। को देखने जाओ, यंग कपल के लिए फिल्म बनी है, फैमिली फिल्म बनी हुई है, और ख़ास तौर पर इसमें धर्मेंद्र पाजी जी को मैं सैल्यूट करूंगा कि इस उम्र में भी वो एक्टिंग को कैसे बेहतरीन, मतलब उनके आने से यह फिल्म में ना हिट हो रही है, मतलब उनका एक प्रेजेंस, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना धर्मेंद्र पाजी का, क्योंकि रॉकी रानी के अंदर भी उन्होंने काम किया था, और रॉकी रानी के बाद बैक टू बैक जब भी जिस फिल्म में वो जा रहे हैं यार, वो दिवस के लिए तो भाई साहब ये कमाल की होगी कि कोई भी फिल्म में दिवस नजर आ रहे हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही है। एंड शायद ये हो सकता है कि धर्मेंद्र पाजी जो है काफ़ी लकी साबित हो रहे हैं हर फिल्मों के लिए, इनफैक्ट 2024 के लिए बेसिकली। रॉकी रानी की प्रेम कहानी आई थी वो भी हिट गई, ब्लॉकबस्टर गई, और सो कहीं ना कहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर भी धर्मेंद्र पाजी का रोल है, और साथ ही साथ डिम्पल कपाड़िया भी है, सबसे बड़ी बात पुराने एक्टर लोग भी है, तो काफ़ी लाजवाब है फिल्म जो है दोस्तों, और देखनी चाहिए। सो दोस्तों क्या लगता है, क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर पर झंडे गाड़ेगी? क्या ऐसी फिल्म दोस्तों एक्सपेरिमेंट साबित होती है या जनता इसको प्यार देगी? एंड वैलेंटाइन डे का टाइम आ रहा है, गर्लफ्रेंड को लेकर जाओ और दिखाओ, शायद ही फिल्म चल जाए। तो दोस्तों क्या लगता है, ये फिल्म दोस्तों 2024 की झंडे गाड़ेगी? शाहिद कपूर का फिर से कमबैक हो सकता है? एंड हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, इस फिल्म का जो सबसे पहले रिव्यू किया था इस फिल्म का, पता किसने किया था? मीरा राजपूत, शाहिद कपूर की वाइफ ने, जो कि उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उनके रिव्यू काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद उनको शाहिद कपूर से फिर से प्यार हो गया। ऑफकोर्स कृति सैनन की बड़ी लाजवाब लगी उनको, एंड उनको हंस हंस के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि पूरी फिल्म दोस्तों कॉमेडी से भरी हुई है। हालांकि दोस्तों शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म जो OTT पे आई थी, जो कोविड में शूट की थी, ब्लडी डैडी, जो कि वो फिल्म थिएटरिकल रिलीज डिजर्व करती थी, बट आई डोंट नो व्हाई, मेरे ख्याल से अब्बास मस्तानी थे उसके डायरेक्टर वगैरह, तो क्यों उन्होंने रिलीज किया OTT पे मुझे नहीं पता, बट फिल्म डिजर्व करती थी थिएटरिकल रिलीज। तो दोस्तों ये थी शाहिद कपूर का ओवरऑल सुपर कमबैक, हो सकता है फिर से एक बार कबीर सिंह के बाद, तो क्या लगता है ये
फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितना करोड़ कलेक्शन करेगी। क्या लगता है दोस्तों, इस मूवी को आपने देखा नहीं देखा, और देखा है तो कितने स्टार की रेटिंग दोगे? मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया अपनी रेटिंग 3.5 दूंगा, आप कितना दोगे? और नहीं देखा तो जाओ लेके जाओ थिएटर में दोस्तों, अपने फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ जाओ फिल्म को देखो, एंजॉय करो, हॉलीडे का टाइम है, हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों, मौज मारो। एंड फिल्म कैसे लगी कॉमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम।